नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की हमारी सातवीं क्लास है जिसमें आप नीमी पीडीएफ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो पिछले वर्षों में सभी ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि अब तक जितने भी आप लोगों ने प्रश्न पढ़े हैं उसको रिविजन करते रहिए। अगर रिविजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, इसलिए उसको रिवीजन आप करते रहिए। अपने नोट कॉपी में उसको लिख लीजिए, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से लिख करके उसको रिवीजन करते रहिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इस सीरीज का 91 नंबर एक क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसका विकल्प है लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, या रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद विकल्प को पढ़िए, तब उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर हो जाएगा सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 92 नंबर। क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेटा स्टार्टर के शुरू करने के बाद भी टाइमर डिले रिले बंद हालत में होता है? इसका विकल्प है शुरू होता है और रुक जाता है, सामान्य रूप से चलता है, या स्टार में ही चलता है, या डेल्टा में ही चलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा, डेल्टा में ही चलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 93 नंबर है। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? ऑप्शन है एमसीबी लगाना, रिले लगाना, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, डबल डेक सीरीज संयोजन लगाना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 93 नंबर प्रश्न है, जब भी आप कंट्रोल पैनल की वायरिंग किए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक पीवीसी का रास्ते नुमा एक चैनल होता है, ठीक है, जिसमें बीच में गैप कटा होता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ठीक उसी तरह का कंट्रोल पैनल में एक पीवीसी चैनल लगा होता है, जिसमें जितने भी वायर होते हैं उस पीवीसी चैनल के माध्यम से क्या होते हैं, बिछाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजली के तारे, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 94 नंबर, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का क्या उद्देश्य है? विकल्प है सर्किट को चालू या बंद करना, पृथ्वी दोष से सर्किट की सुरक्षा करें, या समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रण करें, या मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से टाइप करिए। तो 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो थर्मल लोड रिले होता है, यानी ओवर लोड रिले होता है जिसको थर्मल रिले के नाम से जानते हैं, उसका काम होता है ओवर हीटिंग यानी अतिभार और ओवर लोडिंग से क्या करता है, मोटर को बचाता है, ठीक है, बचाता है। तो इसका सही आप समझेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 95 नंबर, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है?
ऑप्शन है अधिक भार साझा करने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए, परिचालन लागत को कम करने के लिए, या ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 नंबर। इस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधातिक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजन के लिए किया जाता है, यानी कौन सा धातु है जो द्विधात्विक थर्मोस्टेट संयोजन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। चांदी का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि ज्यादा अति भार मोटर वाला जो स्टार्टर होता है उसके कॉन्टैक्ट बनाने में करते हैं, कॉन्टैक्ट बनाने में करते हैं। और थर्मोस्टेट जो द्विधातु पत्ती होती है, थर्मोस्टेट का द्विधात्विक जो पत्ती होती है उसको बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 97 नंबर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है, इसका विकल्प है यह विद्युत तारों के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, उच्च शक्ति वाले सर्किट सामग्री को स्थापित करने में, या डबल डेक सिरे संयोजन लगाने में, या स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 97 नंबर जो प्रश्न होता है, यानी 97 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो नियंत्रण सामग्री क्या है, MCB है, इसके बाद हमारे का OLR है, ओवरलोड रिले है। ठीक है, इसके बाद क्या है, MPCB है। MPCB का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर ओवरलोड रिले, यानी OLR का फुल फॉर्म है ओवरलोड रिले। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 98 नंबर। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालित करने को नियंत्रित करती है, इसका विकल्प है टाइमर, रिले, संयोजक, नियंत्रण, ट्रांसफार्मर। तो जल्दी से टाइप करिए उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टाइप करिए। प्रश्न है कौन सा डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। तो 98 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइमर। टाइमर क्या करता है, टाइमर कहाँ लगा होता है, टाइमर आप जानते हैं ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टार्टर में टाइमर लगा होता है। तो टाइमर का क्या है, टाइमर का काम यह है कि एक निश्चित टाइम में जो NO और NC कॉन्टेक्ट होता है टाइमर का, उसको क्या करता है, चेंज करता है। तो जो टाइमर होता है ऑन डिले रिले टाइमर जो होता है, ऑन डिले रिले जो टाइमर होता है, पहले स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करता है जो NO जो NC कॉन्टेक्ट से जुड़ा होता है, जो डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है वो NO कॉन्टेक्ट से जुड़ा होता है। तो पहले क्या करता है टाइमर, इससे स्टार से डेल्टा में
मोटर का कनेक्शन जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 99 नंबर। कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के डीसी फोर मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन है मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोधक भार, शंट मोटर की शुरुआत और शुरू करना, शंट मोटर की शुरुआत और रोकना, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना, चार्ज और ब्रेकिंग के साथ शुरू करना और रोकना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 99 नंबर प्रश्न का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 99 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 99 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, श्रेणी मोटर को शुरुआत और रुकना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 100, आज का अंतिम प्रश्न है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, या नियंत्रण तत्वों को अति भार या नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा होता है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे पैनल बोर्ड में, पैनल बोर्ड में आप लोग देखे होंगे जो 415 वोल्ट बाई 220 वोल्ट की सप्लाई देता है। तो यानी जो ये कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल जो ट्रांसफार्मर होता है, आखिर वो क्यों लगाया जाता है, क्या उसकी आवश्यकता पड़ी, यही प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न संख्या 100 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कंट्रोल पैनल में दो तरह की वायरिंग होती है, पहला होता है पावर सर्किट, इसके बाद होता है कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो पावर सर्किट में हम देते हैं 415 वोल्ट और कंट्रोल सर्किट में देते हैं 220 वोल्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए। मान लीजिए अगर 220 वोल्ट नहीं देना है, आपको 100 वोल्ट देना है या 60 वोल्ट देना है, तो हम उसी टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे कंट्रोल सर्किट के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।